भयभक्ति के साथ है। प्रेस करो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सॉरी, यू कैन कंटिन्यू। ओके, प्रभु की महिमा हो, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पास्टर साहब का, जिन्होंने मुझे अनुमति दी कि मैं आज वचन बांट सकूं। और आज का जो वचन है, मैं बीते दिनों इसकी जरूरत महसूस कर रहा था, क्योंकि कई बार हम अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रगल में पाते हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे फाइनेंसेस के ऊपर एक श्राप है, एक बंधन है। हम मसीह में आने के बावजूद भी क्यों प्रॉस्पेरिटी को पाने से चूक जाते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, जो कि हमारे दशवांश से रिलेटेड। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त परमेश्वर पिता यहोवा से, प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से, कि वो मेरी जुबान और मेरे दिमाग पर नियंत्रण ले और मुझे बोलने की और समझाने की शक्ति। दशवांश, हम सभी जानते हैं कि दशवांश का मतलब होता है दसवां भाग, जिसे हम इंग्लिश में टाइथ भी कहते हैं। हम जो भी चीजें अपने जीवन में कमाते हैं या जो भी आशीषें हम अपने जीवन में देखते हैं, उसका जो दसवां भाग है वो हमें परमेश्वर को देना होता है। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम एक आज्ञाकारिता का जीवन जिए। अगर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को परमेश्वर की इस व्यवस्था को पूरा करने में असमर्थ पाएंगे। मैंने आपको ये बताया कि दशवांश देना एक परमेश्वर की व्यवस्था है, एक परमेश्वर की विधि है। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर को क्या सचमुच में आपके पैसों की जरूरत है? क्या सच में परमेश्वर आपके पैसों के लिए मोहताज है? बाइबल में लिखा है कि सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी, सब कुछ परमेश्वर का है, तो फिर उसे आपके पैसों की क्या जरूरत? उसने ये विधि, ये व्यवस्था, ये नियम क्यों बनाया कि हमें अपनी सैलरी का, हमें अपनी कमाई का जो दसवां भाग है वो परमेश्वर को देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर अपनी तेजस्वी कलीसिया को प्रॉस्पर बनाने के लिए क्या आपके पैसों पर डिपेंडेंट है? जब भी आप दशवांश देते हैं, तो क्या आप किसी पास्टर की हेल्प करते हैं? नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी पास्टर की हेल्प नहीं करते, आप किसी कलीसिया की हेल्प नहीं करते, किसी कलीसिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं करते, लेकिन ये स्वयं आपकी अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। आप किसी और की मदद नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप की मदद कर रहे हैं कि आप जिन फाइनेंशियल कर्सेस से, जिन फाइनेंशियल बॉन्डेजेस से होकर गुजर रहे हैं, आप उससे आजादी प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आपका मन देखना चाहता है। God is not dependent upon your money. सब कुछ उसका है, वो तो यूं ही ब्लेस कर सकता है, लेकिन वो आपका मन, आपका ओबीडियंस देखना चाहता है। वो परमेश्वर के भवन के प्रति आपके प्रेम को देखना चाहता है, जिसने 6 दिन में इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरी कायनात को बना दिया। क्या वो अपने लिए एक भवन नहीं बना सकता? क्या आज उसको चर्च की बिल्डिंग खड़े करने के लिए आपके पैसों की, आपके लोन की, फाइनेंस की जरूरत है? नहीं, ही जस्ट वॉन्ट टू सी योर हार्ट, आपका हृदय कैसा है, अब कितना आज्ञाकारिता में चलते। प्रभु ने, मुझे लगता है कि यही सोचकर ये व्यवस्था, ये नियम, ये विधि अपने लोगों को सिखाई है, कि मैं देखूं तो कि मैं जो आशीषें इनको देता हूं, ये उसका धन्यवाद मुझे देते हैं या नहीं देते। ये एक तरीके की एक धन्यवाद बलि है जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। सो आपको
अगर ऐसा लगता है कि ये मैं किसी दूसरे की मदद कर रहा हूँ, मैं बताना चाहूंगा आप अपने आप की मदद करते हैं जब आप टाइट देते, जब आप दशमांश देते, आपका जो टाइट है वो बहुत ही ब्लेस्ड है कि परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने भवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये उसका अनुग्रह है कि वो अपने चर्च की, अपनी कलीसिया की जरूरतों के लिए हमसे कुछ योगदान चाहता है, अन्यथा वो अगर चाहे तो उसके लिए सिर्फ सोचने बस की देरी है, बोलने बस की देरी है और हर जगह धन और ऐश्वर्य फैल जाएगा। हमने देखा कि उसने कैसे बटेरों से इजराइलियों का पेट भरा, कैसे चट्टान में से उसने पानी निकाल दिया, वो तो सोने की सड़कों पर चलाने वाला है। सिर्फ वो दशमांश की विधि को देने के द्वारा आपके मन को टटोलना चाहता है, आपकी आज्ञाकारिता को देखना चाहता है। और ये प्रिविलेज है कि चर्च की बिल्डिंग में से एक ईंट आप आपके नाम का है, अन्यथा परमेश्वर ने तो सब कुछ जैसे मैंने बताया 6 दिन में बना दिया। परमेश्वर के भवन के प्रति आपको कितना बोझ है, आप कितनी जिम्मेदारी समझते हैं परमेश्वर के भवन के प्रति, हम इसे वचनों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 132वां अध्याय और उसकी 3री और 5वीं आयत। भजन संहिता की किताब उसका 132वां अध्याय और उसकी 3 से लेकर 5 आयत तक, यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं। वहीं पर इसी से संबंधित एक और वचन है, वो है पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय और उसकी 1 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदार के बने हुए घर में रहता हूं परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। यहां पर हमें दाऊद का एक मन दिखता है, वो क्या कहता है नातान नबी से कि देख मैं तो इतने वैभवशाली घर में रहता हूं, देवदार जो कि सबसे महंगी लकड़ियों में से एक माना जाता है, उससे बने एक सुंदर घर में, एक महल में रहता हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर का जो वाचा का जो संदूक है वो तो एक तंबू में। एक पीड़ा एक प्रेम करने वाले भक्त के मन में अपने परमेश्वर के प्रति दिख रही है। क्या आज ऐसा ही मन हम अपने चर्च के प्रति जो कि परमेश्वर का भवन है दिखाते हैं? क्या हम उसकी जरूरतों के लिए कंसर्न्ड हैं? इसी से संबंधित एक और वचन है, हमारे पास समय कम है इसलिए मैं डिटेल में नहीं, मैं सिर्फ जल्दी जल्दी वचन पढ़ के जो बातें रखना चाहता हूं वो मैं रखूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे हगाई की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 4 से लेकर 10 आयत तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यहोवा का भवन उजाड़ पड़ा है? मैं फिर से पढ़ूंगा, क्या लिखा है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में, मतलब आलीशान घरों में, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी है ना, छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यहोवा का यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यह यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो,
पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वचन है। इसके बाद लिखा है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर में ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन मार्क है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसीलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। आकाश से ओस गिरना मतलब हेवनली ब्लेसिंग्स, और पृथ्वी से उपज मतलब अर्थली ब्लेसिंग्स। ना ही आपको इस दुनिया का सुकून मिल पा रहा है, ना ही आपको कोई हेवनली ब्लेसिंग्स मिल पा रही। बहुत बो रहे हैं लेकिन काट थोड़ा रहे, खा बहुत रहे भरपेट लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, पी रहे हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, बहुत बटोर रहे हैं लेकिन निकलता जब गिनते हैं तो बहुत थोड़ा निकलता है। वचन कह रहा है कि तुम्हारे थैली में एक छेद है और वो छेद है डिसोबीडियंस का, अनाज्ञाकारिता का। परमेश्वर कह रहा है ये इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा जो भवन है वो उजाड़ पड़ा है, मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। वो कहता है पहाड़ पर चढ़ जाओ, ध्यान करो और लकड़ी ले आओ, मेरे भवन को बनाओ, तब मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और तुम मेरी महिमा को देखोगे। लकड़ी को लाना वो रिसोर्सेस को दिखाता है। कलीसिया के संचालन के लिए बहुत से रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है। क्या हमारी हिस्सेदारी उसमें है? एक बार पास्टर साहब ने कहा था दैट क्या आर वी कंज्यूमर और वी सर्विस प्रोवाइडर। हम लोग सिर्फ एक कस्टमर की तरीके से कई बार कलीसिया में आते हैं, आशीषों को लेते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, जीवन में छुटकारा पाते हैं, लेकिन हमारी जब जिम्मेदारी की बात आती है, हमारी लाइबिलिटीज को पूरा करने की बात आती है, तब हम चूक जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे रीजन है, अरे अभी तो कोरोना का समय है, हमारी सैलरी कट रही है, हमें तो जॉब में ये हो गया वो हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया। उस स्त्री को याद करिए जिसने अपनी सारी की सारी जीविका दो दमड़ी, उसको पता नहीं था मैं शाम को क्या खाऊंगी, सब कुछ डाल दिया था। प्रभु आपके मन को देखना चाहता है। आर यू रियली कंसर्न्ड अबाउट द हाउस ऑफ द लॉर्ड? क्या परमेश्वर के भवन के लिए वास्तव में चिंतित हैं? मैं किसी से नहीं पूछूंगा कि कौन दशवांश देता है या नहीं देता है, कौन कितना रेगुलर है या नहीं है। एक महीना दिया, दो महीना मंक मार दिया, ब्रेक दे दिया। मैं यहां पर पास्टर साहब के फेवर में बैठने के लिए या कोई बात करने के लिए नहीं आया। मैं आज इस स्थिति को बता रहा हूं कि आज अगर हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, आज अगर हमारे जीवन में गरीबी है, कमी है, घटी है, तो क्यों है? उसका कारण आज परमेश्वर का जो वचन है वो आपको बताएगा। यह हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए है वचन। आज ऐसा क्यों है कि हम बहुत कमा रहे हैं लेकिन फिर भी महीने के अंत में हम 1,000 रुपए की भी सेविंग नहीं कर पाते? ये किसी और की प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं है वचन, ये आज आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं वचन डाल रहा हूं। बोलता है कि तुम धन जमा तो करके रखते हो लेकिन उसमें एक थैली है, मैं जब तुम उसको बटोर कर लाते हो अपनी उपज को, मैं उसे उड़ा देता हूं। पैसे कहां उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक और वचन हम देखेंगे, ये वचन चिर परिचित है, बहुत बार सुना होगा आपने, मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय और 8 से लेकर 12 आयत तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है।
किस बात में हमने तुझे लूटा है? वी आर रॉबर्स ऑफ गॉड, है ना, हम कह सकते हैं वी आर रॉबर अगेंस्ट हेवन, हमने स्वर्ग में ही डाका डाला है। उसके बाद परमेश्वर वचन से बात करते हैं, जब पूछते हैं कि परमेश्वर हमने तुझे किस बात में लूटा है, परमेश्वर बोलते हैं दशमांश और उठाने की भेंटों में, तुम पर भारी शाप पड़ा है, एक बहुत बड़ा श्राप है, दशमांश न दे पाना या देने का मन न रखना। मैं नहीं कह पा रहा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, एटलीस्ट मन तो है, कहीं आपको आत्मग्लानी होती है कि इस बार मैं नहीं दे पाया। आत्मा आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिलाती है, कुछ लोगों को एहसास भी नहीं होता है, बिल्कुल रूंगे में ऐवे चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा, एक तो होता है श्राप, एक होता है भारी श्राप। परमेश्वर बोल रहा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है, सारी जाति ऐसा करती है, वचन कह रहा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके खोल के तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं या नहीं। अभी हमने वचन में क्या पढ़ा कि आकाश से ओस गिरना बंद हो गई, बारिश हो ही नहीं रही है, नो ब्लेसिंग्स, कोई महसूस ही नहीं हो रहा है, आकाश बंद है और पृथ्वी भी बंद है। परमेश्वर बोल रहा है दशमांश और भेंटों को मेरे भवन में आने दो ताकि भोजन वस्तु, आत्मा का भोजन क्या है, वचन, वचन की सेविकाई करने वाले लोगों के जीवन में और कलीसिया की जरूरतों में किसी भी बात की घटी ना हो, कलीसिया के संचालन में किसी भी बात की घटी ना हो, परमेश्वर इसकी जिम्मेदारी आपको दे रहा है। वो चाहे तो वो खुद भी कर सकता है, इट्स जस्ट कहते हैं ना पीनट्स फॉर इट, लेकिन वो आपको ये ग्रेस दे रहा है कि आप उसकी महिमा में भागीदार हो सके। वचन इसके बाद कहता है तुम मुझे परख कर देखो, चैलेंज कर रहा है परमेश्वर आपको, ऐसा करके तो देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोके खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं या नहीं, चैलेंज कर रहा है परमेश्वर, करके देखिए। बाइबल लिखा परख कर देखो यहोवा कितना भला है। उसके बाद लिखा है मैं तुम्हारे लिए, परमेश्वर इस आशीष को जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो परमेश्वर आपको एक दूसरी आशीष भी देते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन। आज कितने लोग कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जिंदगी को खो चुके हैं, नाश करने वाला हम देख रहे हैं आज हर जगह व्याप्त है, लेकिन जो व्यक्ति दशमांश देने में ईमानदार रहता है, परमेश्वर कह रहे हैं मैं नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि उस घर के करीब भी मत जाना, और तुम्हारे जो फल हैं दाखलता के वो कच्चे नहीं गिरेंगे, चीजें बनते बनते ही खत्म हो जाती, बिजनेस शुरू किया 3 महीने के भीतर सब खत्म। कोई आज हमें सम्मान के साथ देखते ही नहीं है, हम ओछे और पिछड़े हुओं में जाने जाते हैं, हमें कहीं आदर मान नमस्कार नहीं मिलता, हम सम्मानित व्यक्तियों की लिस्ट में नहीं आते, क्यों? क्योंकि तो हमने परमेश्वर को लूटा है। परमेश्वर बोलता है ऐसा करो तब तुम धन्य कहलाओगे, तब परमेश्वर हमारे ऑनर को बढ़ाएंगे, हमें एग्जॉल्ट करेंगे। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण उसके 16वें अध्याय उसकी 16वीं आयत में क्या कहता है, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। क्या लिखा है?
और देखो छूछे हाथ, मतलब खाली हाथ कोई भी यहोवा के सामने ना जाए। जब भी आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसके सम्मुख आप जाते हैं, आपके हाथों में परमेश्वर को चढ़ाने के लिए धन्यवाद बलि के रूप में कुछ ना कुछ होना चाहिए। परमेश्वर पसंद नहीं करता छूछे हाथ। परमेश्वर को मैंने बताया कि आपके हाथों से अच्छे अच्छे गिफ्ट्स और अच्छे अच्छे है ना बहुत सारे टोकन ऑफ लव की एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो सिर्फ आपके मन को देखना चाहता है, उसको जरूरत नहीं है आपके किसी भी रिसोर्सेस की। ही सेल्फ सफिशिएंट ओमनीपोटेंट गॉड। सिर्फ आपके ओबीडियंस, आपकी इच्छा को, आपके मन को वो पढ़ना चाहता है। और बाइबल में लिखा है वो किसी का कर्जदार नहीं होता, तो किसी का भी कर्जदार होते नहीं। कोई भी नहीं कह सकता कि परमेश्वर मैंने तुझे बहुत दिया। हम कभी भी परमेश्वर को आउटराइट ना कर नहीं सकते। इसके बाद क्या लिखा है, नीति वचन उसका तीसरा अध्याय उसकी 9-10 आयत में क्या लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर, एक बार नहीं देना है, क्या लिखा है, दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। फिर से पढ़ूंगा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा हम अपनी संपत्ति से भी कर सकते हैं। प्रभु की जो सेवा है वो सिर्फ हम अपने वचनों, अपने प्रार्थनाओं, अपने धार्मिकता की जो जीवन शैली है उसके अलावा संपत्ति के द्वारा भी हमें परमेश्वर की प्रतिष्ठा करनी है। और उसके बाद क्या लिखा, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आज हमारे खत्ते अगर खाली हैं, हमारे बैंक बैलेंसेस खाली हैं, क्यों हैं? परमेश्वर का वचन आज बात कर रहा है। यदि हम ऐसा करेंगे, यदि हम अपनी संपत्ति के द्वारा अगर हमने परमेश्वर यहोवा की प्रतिष्ठा करना शुरू कर दिया, तो वचन कहता है कि तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रस कुंडों में है ना दाख रस जो उमड़ता रहेगा, छलकता रहेगा। ये नहीं कि हाँ ऊपर तक भरा है, थोड़ा भरा है, छलकना मतलब समझ रहे हैं, अबंडेंस, इफरात। परमेश्वर का वचन हमसे और भी बातें करना चाहता है। इसके लिए हम निकालेंगे लूका की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 38वीं आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आज हमें दे क्यों नहीं रहा है परमेश्वर, हमें दे क्यों नहीं रहा है, कारण क्या है? क्योंकि वचन तो कहता है दिया करो तो बहुत बड़ा फर्क डाल रहा है। क्यों हमें दिया नहीं जा रहा, मांग रहे हैं, मांगो तो मिलेगा। अरे मांग तो रहे हैं प्रभु, 3 साल हो गए मांगते हैं, दे क्यों नहीं रहे, इधर चूक हो रही है। ठीक है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब दे ही नहीं रहे तो वो वचन के विरुद्ध काम थोड़ी कर पाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर हमारा नपुआ, हमारा पैमाना, हमारा जो मेजर करने का जो बर्तन है वो बहुत छोटा है, तो फिर क्या लिखा है वचन में, जिस नाप से तुम नाप रहे हो उसी नाप से मैं भी तुम्हारे लिए नापूंगा। 10 रुपए हम टिप देते हैं वेटर को, 10 रुपए ही हम डाल देते हैं बड़े अच्छे से, उसके बाद हम खुश भी होते। हम 10 रुपए डाल के हम आशा करते हैं लाखों करोड़ों। वचन कहता है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्या हम अपनी कमी घटी में भी परमेश्वर की महिमा अपनी संपत्ति के द्वारा कर सकते हैं, प्रतिष्ठा अपनी संपत्ति के द्वारा कर सकते हैं? मत सोचिए कल क्या होगा। आपके खत्तों की जो भरे रहने की गारंटी है वो कौन लेगा पता है? परमेश्वर। उसके बाद क्या लिखा है, गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 7वीं आयत में क्या लिखा है, धोखा ना खाओ,
परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्या लिखा है? मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अब कुछ बोया ही नहीं है तो काटेंगे क्या? या बोया है तो बहुत थोड़ा बोया तो काटेंगे कितने? जो कुछ बोएगा वही काटेगा। कटनी करना चाहते हैं ना हम सब आशीषों की, तो बोना पड़ेगा उसके लिए, है ना। एक विषय है सोइंग एंड रीपिंग। जितना आप सो करते हैं उतना ही रीप करते हैं। अब सो ही बहुत कम किया है, बोया ही बहुत कम है, तो कटनी की आशा बहुत कैसे लगा सकते? वचन के विरुद्ध परमेश्वर काम नहीं करेगा। वो चाहता भी आशीष देना, पर क्या करें, उसने अपने वचन में कह दिया जितना बोगे उतना काटोगे। तो बोने के लिए कुछ है आपके पास? कमियां सबके पास है। कल हम अमीर होंगे प्रभु तो हम तेरे वचन को मानेंगे, कल कभी नहीं आता। इसके बाद कुछ विषय हैं जो दशवान से रिलेटेड हैं। बहुत सारे ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं, मैं ऐसे लोगों से मिला, वो कहते हैं कि सर व्यवस्था तो, व्यवस्था वाला युग चला गया, अब तो अनुग्रह वाला युग आ गया है, पुराना नियम खत्म हो गया, अब नया नियम आ गया, अब दशवांश दशवांश देने की जरूरत नहीं है, प्रभु बस प्रभु से प्यार करो काफी है, दशवांश देने की जरूरत नहीं, ऐसी शिक्षाएं चलती। लेकिन वो लोग बाइबल को शायद ढंग से नहीं पढ़ते या पूरी तरीके से नहीं पढ़ते। मैं आपको वचन से ही बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी दशवांश के लिए मना नहीं किया। नया नियम, नया कलाम खुदा का कभी इस बात के लिए मना नहीं करता। इसके लिए हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है लूका की किताब उसका 11वां अध्याय उसकी 42वीं आयत, यीशु मसीह के वचन हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह ने जो अपने मुंह से कहे, पर हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ का और सब भांति के साग पात का दशवांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था, ध्यान दीजिएगा, चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। मतलब इन्हें भी और उन्हें भी, प्रभु यहां साफ कह रहे हैं, दशवांश भी करते रहो और साथ में धर्म न्याय और व्यवस्था को भी पूरा करते रहो। परमेश्वर का वचन साफ कह रहे हैं, ऐसे जो लोग आपको कहें आप उनको लूका 11:42 पढ़ाइए, वहां पर प्रभु क्या कह रहे हैं, चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। इसके बाद प्रभु कहते हैं ना कि कुछ लोग व्यवस्था खत्म हो गई, अनुग्रह आ गया, लॉ इज ओवर नाउ ग्रेस पीरियड इज रनिंग। प्रभु क्या कह रहे हैं, मत्ती 5:17-18 में प्रभु क्या कहते हैं, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, मिटाने आया हूं, नहीं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। प्रभु मिटाने नहीं आए, प्रभु ने व्यवस्था को मिटाया नहीं बल्कि उसे पूरा किया। पहले तो दशवांश देने की बात होती थी, यहां तो नए नियम में 100% हम बोलते हैं ना, आई सरेंडर ऑल गाना गाते हैं, पर क्या सच में सरेंडर करते हैं हम? आई सरेंडर ऑल, तब तो बड़ा देख देख के, अरे गलती से 10 की जगह 100 का तो नहीं चला गया? गूगल पे पे लोग 4 बार देखते हैं, अरे 100 की जगह कहीं 1000 तो नहीं डाल दिया, 10 बढ़ तो नहीं माफी चाहूंगा लेकिन सच्चाई है ना। तो हम जितना बोएंगे उतना काटेंगे। सोइंग और रिपिंग का अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कभी भी आपका बैंक बैलेंस कम नहीं होगा। अभी मैंने प्रभु के कुछ दासों से मिरेकल मनी के बारे में सुना। यस, मिरेकल मनी कोई ऐसा हवा वाली बात नहीं है, अद्भुत रूप से परमेश्वर अपने लोगों के बैंक अकाउंट को ब्लेस करते हैं। और बैंक में जब गए पूछे कहां से आया पैसा, बोले पता नहीं, इसका तो कोई हमें एंट्री दिख नहीं है। बट आप अभी एक लड़की की बात बताऊंगा, उसके 2,500 यूरो क्रेडिट हुए, यूरो की बात कर रहा हूँ। पर ऐसे कई प्रभु के दास है, मैं मिला भी हूँ, जो ऐसी बातें बताते हैं प्रभु करता है। उन्होंने बताया कि कोरोना में हमारा घर कैसे चला हमें खुद नहीं पता, हमने कभी बैंक बैलेंस चेक किया, कभी बड़ा जानते हैं प्रभु ऐसे चमत्कार करता रहे। आपके खत्तों की गारंटी प्रभु लेगा, आप चिंता मत करिए, अपनी सारी चिंताएं उसे डाल दीजिए। इसके बाद हम कुछ बातें और बोल के खत्म करेंगे। दशवांश कहाँ देना चाहिए? बहुत सारे लोग खाते यहां पर हैं, बिल की पेमेंट कहीं और करते हैं। सोचो आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट नंबर ए में गए, खाया पिया बढ़िया, पेट भरा, और पेमेंट रेस्टोरेंट नंबर बी में जाके कर रहे हैं। आपकी जहां से भी आत्मिक उन्नति हो रही है, ध्यान दीजिए,
आपकी जहां से आत्मिक उन्नति हो रही है, जहां से आप जुड़े हुए हैं, जहां से आपको वचन, शिक्षा और प्रार्थनाओं का आपको सपोर्ट मिलता है, जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी उनके प्रति बनती है। और मैं आपको बताऊं, बाइबल में लिखा है, आप पढ़ेंगे जब मत्ती उसका 13वां अध्याय उसकी 23वीं आयत लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। बहुत सारे लोग आज अच्छी भूमि में बो नहीं रहे। अच्छी भूमि मतलब जहां से आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, जो आपके मेंटोर हैं, आपको सिखाते हैं, पल आपको बढ़ा रहे हो, पनपने में हेल्प कर रहे हैं, अच्छी भूमि में बोएं। कई लोग बोलते हैं हमने तो इतना दशमांश दिया, हमारी तो गरीबी जाती नहीं, हमारे लिए तो झरोखे खुलते हैं। आपने दिया कहां? अच्छी भूमि में बोया गया है तो वो 100% फल लेकर आए। मैं उम्मीद करता हूं प्रभु ने आपको इन वचनों से कुछ बातों को सीखने में मदद करी होगी, और परमेश्वर हम सबको आज इस गरीबी के चंगुल से अगर हम छूटना चाहते हैं, वास्तव में हम अब्राहम के आशीषों में चलना चाहते हैं, तो अब्राहम की ही तरह हमें पता है सबसे पहला दशमांश अब्राहम ने मलकीसेदक, जो कि यीशु मसीह को एक उसका रूप माना जाता है, दिया था जब वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके आ रहा था। अब्राहम की आशीषों में चलना है तो अब्राहम के जैसे काम भी करना है। परमेश्वर आज हमें हर एक प्रकार के उस कर्ज से जो हमारे फाइनेंसेस पर है हमें निजात दिलाए। आगे प्रभु के दास से मैं अनुग्रह करूंगा वो इसे पूरा करे और जो रह गया वो समझाए और मुझे भी आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। अच्छा वचन हमने सुना है कि स्पेसिफिकली हमने आज दशमांश के बारे में सुना है, टाइट के बारे में, कि दशमांश जो है परमेश्वर ने वचन में दिया हुआ एक व्यवस्था है। ये कोई इंसान ने नहीं ढूंढा है कि चलो मैं दशमांश के सिस्टम लेकर आता है, कोई इंसान ने नहीं इन्वेंट किया, ढूंढ निकाला नहीं, किसी भी